क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स पेश करते हैं कंप्लीट कलेक्शन। सैंडल्स, शूज, हैंडबैग्स, ट्रैवल बैग्स भी। फैंसी डिजाइन, हाई हील्स, कैजुअल, ऑफिस वेयर, डेली वेयर। क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स सेल्फ मैन्युफैक्चर है अफोर्डेबल प्राइस के साथ अप टू 50% डिस्काउंट। तो आज ही आए क्लॉथ्स, शूज एंड बैग्स। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। इस समय मौजूद है मुमरा के एमएम वली, जो मुस्लिम कब्रस्तान है, उसके ठीक पीछे जो है क्रिश्चियन समाज का कब्रस्तान है। लेकिन पिछले दिनों जो है इस कब्रस्तान को लेकर विवाद पैदा हो गया था। जो क्रिश्चियन एकता कमेटी के जीतू राठौर हैं, उनका कहना था कि ये कब्रस्तान जो है कहीं ना कहीं दलदल है और ये इलीगल है। इसके लिए जो है उन्होंने जो चाभी मनपा के कर्मचारी ने दी थी, उस चाभी को लाकर उन्होंने वापस कर दिया था और इस कब्रस्तान को लेने से इनकार कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं अब जो है महाराष्ट्र माइनॉरिटी क्रिश्चियन डेवलपमेंट काउंसिल और ठाणे क्रिश्चियन सेमेंट्री एसोसिएशन, ये दोनों जो है संस्थाएं सामने आई और गृह निर्माण मंत्री जितेंद्र आवास से इस क्रिश्चियन दफन भूमि को लेकर जो है उनसे मुलाकात की और मांग की कि इस कब्रिस्तान की जो है उन्हें सख्त ज़रूरत है। जिसके बाद आज जो है कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने जो है क्रिश्चियन समाज के कुछ लोग जो है यहाँ पर आए थे, दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर जो लोग आए हैं क्रिश्चियन समाज के, इन्हें जो है चाबी दी गई। जिसके बाद जो है इस गेट को खोला गया, यहाँ पर प्रार्थना की गई और उसके बाद जो क्रिश्चियन समाज के लोग हैं उन लोगों ने क्या कुछ कहा है और क्या कहा है कार्यकारी अभियंता धनंजय गोसावी ने, वो भी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें कि क्रिश्चियन समाज के जो लोग हैं यहाँ पर, उनका साफ कहना है कि जो भी आरोप इस पे लग रहे थे इस दफन भूमि को लेकर, उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। वो सभी आरोपों को खारिज कर रहे हैं और उनका कहना है कि हमें ये दफन भूमि चाहिए और जो इलीगल की बात आ रही थी बोले वो कागजी कार्रवाई जो है वो अपना पूरा करते रहेंगे। लेकिन कुछ ही उनका कहना है कि जल्द ही जो है यहाँ पर दफन विधि भी शुरू की जाएगी। और क्या कुछ कहा है क्रिश्चियन समाज के लोग और कार्यकारी अभियंता मनपा के धनंजय गोसावी ने, सुनिए। गोसावी सर, आज आपने इस दफन भूमि की चाबी क्रिश्चियन समाज को सौंप दी है। पहले क्रिश्चियन समाज जो आज देखा ना, पहले जो लोग आए थे, चार पांच लोग आए थे, कोई एक उल्लासनगर से आया था, उसका नाम नहीं मेरे को मालूम, मगर वो नहीं थे चाबी लेने के टाइम पर। बाकी की जो कम्युनिटी आज जो महाराष्ट्र अल्पसंख्यक क्रिश्चियन समाज के उपाध्यक्ष और ठाणा के अध्यक्ष, ये जो आए और इनके ताबे में हम कब्रस्तान चलाने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि ये जो पीरियड है ना कब्रस्तान को क्रिश्चियन समाज के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत पत्र उनके लेटर आ रहे हैं टीएमसी में कि हमको क्रिश्चियन समाज के लिए जगह दे दो दफन विधि करने के लिए। उस हिसाब से अपना मुमरा में ये तैयारी था। अपने एमएलए साहब जो अभी मंत्री है, उन्होंने ये कब्रस्तान 9 जनवरी 2019 में जैसा अपना सुन्नी लोगों का चालू किया, उसी टाइम पर ये भी कब्रस्तान अपन तैयार किया था। मगर कोई कम्युनिटी अपने पास इतना सब सेक्रेटरी ये मिलकर सब कोई नहीं, आज ये आ गए। और मैं इनको एक बोलूँगा कि गरीब जितने भी क्रिश्चियन समाज के लोग हैं अपने इंडिया में या महाराष्ट्र में है, ये सभी लोगों के आज खुला कर दो इस दफन भूमि। और गरीब की सेवा जैसा म्युनिसिपैलिटी हमने तुमने कब्रिस्तान तुमको दिया है, वो गरीब को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत दे के दफन विधि करेंगे, यही मैं इनके बारे में अपेक्षा रखता हूँ। और एक बात, दूसरी बात ऐसा है, ये इनलीगल नहीं है। अभी लीगल और इनलीगल ये जो समझता नहीं वो आदमी आरोप करता है, तो उसका बुद्धिमत्ता की मेरे को क्यों आती है कि जब महासभा का मंजूर, ये शहरी विकास का प्लान ने पास है, महापौर का साइन है, हमारे कमिश्नर साहब का साइन है, जनरल बॉडी का ठहराव है, स्टैंडिंग कमेटी का ठहराव है, आरोग्य अधिकारी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड करते एज पर द पॉपुलेशन ऑफ द ईच कम्युनिटी, वो कम्युनिटी ने सर्वे किया कि सुन्नी लोगों को 3 एकड़ दे दो, सियाह लोगों को 1 एकड़ दे दो, ईरानी लोगों को 20 घंटे दे दो, स्मशान भूमि में 10 घंटे दे दो। ये क्रिश्चियन लोगों का भी सर्वे किया और ये लीगल कब्रस्तान आज 2019 में बना था, ये चलाने के लोग मिले हमको, ये इनके ताबे में दे रहे। दूसरी बात, एक कीचड़ में है, दलदल में है, ये जो आरोप लगाया था आरिफ साहब जो अपने अल्पसंख्यक मिनिस्टर थे, आप भी थे उसी टाइम,
उनको बोला मैं कि हमने 10 फुट 8 फुट एज पर द लेवल ऑफ द लैंड, वो फिलिंग की है, मुरुम फिलिंग की है, और तुम्हारे सामने मैं वो मंत्री जी को बोला था कि साहब आप जिधर खड्डा लेने का है उधर मेरा जेसीबी तैयार है। तो उन्होंने मेरे को बोला ए साइड में खड्डा ले लो, ए साइड में खड्डा ले लो। तुम्हारे सामने 8 फुट जाने के बाद में 10 फुट जाने के बाद में पानी लगा, लगा क्या नहीं, नहीं लगा पानी, दलदल मिली नहीं मिली। फिर ऐसा फालतू आरोप करते हैं कि दलदल में कब्रस्तान बनाए, ये बनाए, अरे इधर आके देखो हमने बनाया कब्रस्तान, और प्रूव करके बताया था। अल्पसंख्यक मिनिस्टर जब हमारे पास आए थे, सब मुमरा के लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, तब तो हमने खड्डा करके उनको बताया कि ये फिलिंग लैंड हमने बनाई है और ये दलदल में नहीं है और इलीगल नहीं है और ये लीगल कब्रस्तान, ये सब महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक के जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग आए इनके ताबे में चलाने के लिए दिया। एक साल ऐसा ही है, इन्होंने ये एटीट्यूड लिया ज़्यादा और हम उनके ताबे में दे रहे। मेरी यही प्रार्थना है कि गरीब लोगों की सेवा करने का मेरे से जो चांस था वो मेरे को मिला, आगे इनके ताबे में मैं गरीब लोगों की सेवा करने के लिए ये मेरी लैंड जो है वो क्रिश्चियन समाज, सभी क्रिश्चियन समाज के लिए, महाराष्ट्र के लिए है, इंडिया का क्रिश्चियन समाज बोलो, सभी के लिए। दफन विधि आदमी मरने के बाद में कोई जात नहीं रहती है, वो जो जात नहीं रहती, इसके लिए सभी क्रिश्चियन भूमि के लिए, समाज के लिए अपन ये कब्रस्तान अच्छा चलाओ, यही मैं प्रार्थना यीशु भाई यीशु ख्रिस्त से करूंगा, बस इतना ही। क्या नाम है आपका और जो ये आपने दफन भूमि ली है तो इसको लेकर पहले भी काफी विवाद हो चुका है, तो आप लोगों ने इसकी मांगनी की थी और आज मनपा के अधिकारियों ने आपको ये दफन भूमि सौंप दी है, तो पूरे विवाद पर भी आप खुलासा करें क्या हुआ था और आपने ये दफन भूमि ली है इस पर भी बताएं। मेरा नाम गैविन रोजारियो है, मैं थाना डिस्ट्रिक्ट का सेक्रेटरी हूँ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का। पिछले 2 सालों से अवार्ड साहब ने मुझे प्रॉमिस किया था कि हमारे क्रिश्चियन समाजों के लिए यहाँ पे मुमरा कौसा में हमको जगह देने वाले हैं। उन्होंने अपना शब्द पाल के पिछले महीना हमको बुला करके हमारे जितने पास्टर कैथलिक और रोमन कैथलिक सबको मिला के पूरे समाज के हाथ में, फादर और पास्टर लोगों के हाथ में चाबी दिया था और हमने ये जगह हमारे हाथों में ली थी। पर कुछ मेरे हिसाब से कुछ ऑपोजिशन लोग हैं जो हमारे साहब के ऑपोजिशन है, उन्होंने यहाँ पे आके थोड़ा स्टंटबाजी करने के ट्राई किया था, थोड़ा समाज में समाज को अलग करके ही ट्राई टू डू समथिंग यहाँ पे। तो उन्होंने यहाँ पे आके अपने इंजीनियर को बिना हमें किसी कॉन्फिडेंस में लेके, हमारा ये पूरा समाज है, पूरा हमारा एक महाराष्ट्र माइनॉरिटी सेल के वाइस प्रेसिडेंट है, ठाणा क्रिश्चियन सेमिट्री के अध्यक्ष भी है, सेक्रेटरी भी है, उनको बिना बताए ये चावी लेके इन्होंने जाके गोसावी साहब को रिटर्न दिया, जो काफ़ी हमें नाराजगी हुई। तो आज हमने कल हमने अवार्ड साहब से जाके टाइम लिया, उनको हमने जाके माफ़ी मांगी, पूरा हमने समझा दिया और आज हम गोसावी साहब को लेके कॉन्फिडेंस में लेके आके हमारे पूरे पूरा अथॉरिटी को यहाँ पे लेके आके हमने यहाँ पे प्रेयर वगैरह करके आज हमने हमारे ये जगह ताबे में ले। क्रिश्चियन एकता कमेटी के जीतू राठौर है, उनका ऐसा मानना था कि जो है ये जगह ठीक नहीं है, जगह कम है, तो आप लोगों को क्या लगा आपके लिए जमीन बेहतर है और क्या जीतू राठौर ने आप लोगों से जब वो विवादित इसको बता रहे थे, तमाम इस पे खामियां निकाल रहे थे, उस वक्त आप लोगों से किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की थी? कैसा है कि उनका कहना पे हमको कुछ विरोध है, मतलब वो बोल रहा है कि यहाँ पे पेपर्स नहीं है, जगह लीगल नहीं है, ये नहीं है, पहले पीछे साइड है उधर भी ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आए थे, आज वो वहाँ पे कम से कम 1900 बॉडीज वहाँ पे दफनाई है तो उधर कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। आप अगर यही सिमेट्री देखें और जो फायर ब्रिगेड के पीछे जो सिमेट्री आप देखेंगे तो उसमें जमीन आसमान का फर्क है। हमने यहाँ पे कल पूरा सर्वे वगैरह किया और हमें ये जगह में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे मेरा पूरा एसोसिएशन का कहना था कि जो है ये इलीगल है, तो क्या अभी आपको लीगल करके नहीं, टाउन प्लानिंग वगैरह में पूरा है, हमारे पास पूरा पेपर्स है, अवार्ड साहब ने गोसावी साहब ने हमको पेपर दिया है, पूरा टाउन प्लानिंग पास करके लिया है। बच्चे को निकालने तो 9 महीना लगता है ना कि तुरंत शादी होती है, ये होता है ऐसा नहीं होता है ना, इट टेक्स 9 मंथ्स फॉर अ बेबी टू कम आउट। तो ऐसे हमको जगह दिया, हम हमारे पेपर वर्क पे हम काम कर रहे हैं, मिल जाएगा वो भी पेपर आपको। हमको यहाँ पे अवार्ड साहब हैज बीन अ लॉट ऑफ सपोर्ट टू अस, आर एंटायर कम्युनिटी हैड गॉन एंड मेट मिस्टर भाला साहब थोराट रेवेन्यू मिनिस्टर एंड ही हैज प्रॉमिस्ड अस अराउंड 10 प्लॉट्स इन थाने, स्टार्टिंग ऑफ विच कौसा इज वन, और हमको 9 प्लॉट्स का प्रॉमिस किया है। तो वी थैंक आर हाउसिंग मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र आवड एज वेल एज भाला साहब थोराट for this wonderful opportunity for being with us with our community. Thank you. Mera naam advocate Cyril Dara, main Maharashtra Minority Christian Development Council ka vice president hu, hamari puri team yahan par hai, plus main jo Thane Christian Cemetery Association hai uska bhi legal advisor hu, advisory board pe hu, aur hum kafi santusht hai ye jagah se।
अभी किसी ने क्या कहा ये उनका इंडिविजुअल व्यू था, मुझे पता नहीं है उन्होंने कितना करस्पॉन्डेंस किया, क्या किया। और कोई एक व्यक्ति क्रिश्चियन समाज नहीं हो सकता, हर एक इंडिविजुअल व्यक्ति वो अपने आप में क्रिश्चियन समाज है और हर एक की सोच अलग होती है। और इस जगह से हम काफ़ी संतुष्ट है। और जो लोकल लोग रहेंगे यहाँ पर, हम लोग मैक्सिमम जो गरीब लोग हैं उनका फ्यूनरल ही करेंगे यहाँ पर, और जितना हो सके हम फ्री में यहाँ पे फ्यूनरल करेंगे। तो कब से इसमें दफन करना स्टार्ट किया जाए? जैसे ऐसे लगा लोकल अगर कोई डेथ होती है अगर, तो हमारे पास इन्फॉर्मेशन आता है, हमने हमारे टेलीफोन नंबर्स वगैरह वहाँ पे डाल के रखे हैं, अगर किसी ने कांटेक्ट किया तो जितना हो सके हम यहाँ पर फ्री बरियल ही करने की कोशिश करेंगे। जल्द से जल्द शुरुआत हो जाएगी। ऑफिशियली हमने आज ये सिमेट्री को डेडिकेट किया है, ऊपर वाले को डेडिकेटेड टू गॉड हम जो बोलते हैं वो प्रेस किए है और ये समर्पित कर दिया है खुदा को। तो अभी ये जमीन सिर्फ इसी कार्य के लिए हमेशा यूज होती रहेगी। मेरा नाम मेलविन फर्नांडिस है, मैं ताना क्रिश्चियन सिमेट्री एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ। मुझे मालूम है सिमेट्री मिलने के लिए कितना तकलीफ होता है, मैं 10 साल से खुद फाइट कर रहा हूँ। ताना डिस्ट्रिक्ट में ये फाइला जगह है, अपने को गवर्नमेंट ने दिया है, अभी तक एक भी जगह ताना डिस्ट्रिक्ट में अपने को नहीं मिला है, ये पहला जगह है। तो अपने को मालूम नहीं क्यों पहले का लोगों ने या लपड़ा किया, एक्सेप्ट नहीं किया, तो हम लोग उसमें नहीं था और हम लोगों को मालूम भी नहीं था ये चीज़। तो हम लोग बहुत खुशी हो रहा है कि गवर्नमेंट अपने तरफ भी देख रहा है। यानी जितने भी आरोप लग रहे थे उन सभी आरोपों को आप लोग दरकिनार करते हैं? या दरकिनार करते हैं, दफन भूमि को एक्सेप्ट करते हैं हम लोग। तो कोई भी आके इधर ऑब्जेक्शन डालेगा मैं क्रिश्चियन समाज का लीडर हूँ ऐसा हम लोग उनको मानते नहीं।